ये फिर से आ गया मैं स्ट्रीम में। अरे मादे चौधरी, बार बार स्ट्रीम हक क्यों रही है फिर बहन चौधरी? फिर भी नाटक होने लगा क्या? बड़ा ही नाटक है यार ब्रो। यार क्या ही बताएं यार, बड़ी दिक्कत है यार इस समय यार ज़िंदगी में। यार मतलब ज़िंदगी खड़े लंड जैसी है, कभी भी इधर हिलती है कभी भी उधर हिलती है। चलिए छोड़िए, ये सब चूतियों का काम है। ये देखना चाहेंगे हम बाकी टीमें। जोन कतई टट्टी बनता हुआ स्लॉट नंबर 19 से कतई दूर। ये देखिए स्लॉट नंबर 19 हमारी भागी थी कहीं और कतई दूर इनसे जोन बन गया है। आधी उम्र निकल जाएगी हमारे खूनी लंडों की जोन पहुँचते पहुँचते, मगर कोई नहीं भाई कोई नहीं। ब्राह्मण गेमिंग आपके साथ है, कोई बात नहीं। हम अपने चूतर के छेद में आपको बैठा के जोन लेके जाएंगे, मगर आप जोन जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ओ भाई चूतर के छेद में बैठा कैसे लेंगे? ओ भाई अल्टीमेट यार, क्या बात है यार भाई, क्या बात है भाई, अल्टीमेट भाई, प्रो भाई, प्रो। ओके गाइस, जी हाँ थर्ड आई गेमिंग बिग फैन ब्रो शुभेंदु भाई का हमारा चैनल है, मतलब ग्रुप है। चलिए अब आपको हम टीमों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हमारी टीम ड्रेड स्लॉट नंबर 4, इनके चार के चारों बंदे आए हुए हैं, और सुबह के कस्टम में शायद ये लेट हो गए थे, इनके दो बंदे नहीं आ पाए थे, इनके तीन ही बंदे आए थे, हमारे स्कल नहीं आए थे। फोर प्लेयर इनके ओपी लेवल के प्लेयर हैं जो। चलिए आपको हम टीमों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सभी प्लेयर से इंट्रोड्यूस करा दें। स्लॉट नंबर 4 हमारी टीम नाइट मार्स, टीडी नाइट्स, टीडी सैक्लोन एंड टीडी स्कल। ओके ये थे हमारे टीम ड्रेड के प्लेयर। ये थे हमारे टीम ड्रेड के प्लेयर, और हम ले जाना चाहेंगे स्लॉट नंबर 11 की तरफ हमारी टीम 2 OP, जो कि 2 PM इरेंगल मैप कस्टम में जो जीती थी। तो आपको टीमों की तरफ इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। स्लॉट नंबर हमारी 11 है 2 OP, काफ़ी अच्छे प्लेयर हमारे लेटरिंग हगा, मतलब बिल्ली के गूँ कुल मिला के, हमने इनके बारे में बात की थी। बिल्ली के गूँ है ये, न लीपने लायक न पोतने लायक, सिर्फ हमारे भाई गंधाने लायक। कला का प्रदर्शन कर रहे थे मगर उसी कला के चक्कर में चुत गए। चलिए हमारे निंजा प्रिंस भाई हमारे काफ़ी शानदार प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा इनका गेम प्ले है, सब कुछ अच्छा है, मगर इनका मुंह बहुत गंदा है, पता नहीं क्यों हमको इनका मुंह पसंद नहीं। इनका मुंह बरैया के छत्ते जैसा है, भन भुन करते रहता है। और हमारे ईशान 2 OP, नाम से ही रईसी छलकती है इनके, ईशान, वाह ईशान 2 OP। चलिए भाई, और हमारे आरटीसी डेविल, काफ़ी इन्होंने किक मूवी बहुत देखी है। ये देखिए अभी चुत जाते, पूरी हेल्थ की दाई चुत जाती है इनकी, कला चूत रहे थे और खुद ही चुत जाते, कोई बात नहीं भाई। ये हमारे ईशान 2 RTC डेविल, चलिए ब्रो। एंड चलिए आपको ले जाना चाहूँगा स्लॉट नंबर हम 12 की तरफ। स्लॉट नंबर 12 हमारी वाइपर है, स्लॉट नंबर हमारी 12 टीम वाइपर, वाइपर का हमारे वाइपर स्पाइडर, काफ़ी हमारे भैया हैं ये, बड़े हैं, काफ़ी अच्छा गेम प्ले है इनका, आकर्षक खेलते हैं। एंड हमारे स्लॉट नंबर 12 के एक और प्लेयर हमारे आकाश भाई, आकाश रैगवार। स्ट्रीमिंग स्टॉप, क्या लिख रही है? स्ट्रीम कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, व्हाट द फक ब्रो, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस, सीरियसली व्हाट कैन आई डू, ब्लडी मोरन, बार बार स्ट्रीमिंग कट हो रही है। तो स्लॉट नंबर 12 के प्लेयर्स आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे इस वाइपर स्पाइडर जो कि इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, देन हमारे सेकंड प्लेयर आकाश रैगवार। आकाश रैगवार का भाई क्या ही बताएं, ये देखो हाथ में थॉमसन रखे हैं, पूरी एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मैग लगा के 50 की 50 लोड है, क्या ही बोले भाई। और ये भाई स्कारल 6X चला रहे हैं, हक देंगे भाई स्कारल 6X, भर्र चलती पाद जैसे, मतलब क्या बताएं, लूना की पाद और स्कारल 6X स्प्रे बराबर, कहीं डिफरेंस नहीं, कहीं बहनचो डिफरेंस है ही नहीं। हमारे थर्ड प्लेयर छोटे आकाश, इनका ए छोटा है, इनका फुन्नू भी छोटा है, कोई बात भाई। ओ भाई इनका हमारे एक आकाश भाई का ए बड़ा है, और हमारे एक छोटे आकाश भाई जिनका ए छोटा है उनका फुन्नू भी छोटा है। ओ भाई हमने देखा नहीं है मगर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है उस मामले को लेके ये, जी हाँ। और हमारे स्लॉट नंबर 12 के हमारे अमित भाई, उमदा प्लेयर। चलिए एंड स्लॉट नंबर 13 हमारे, ओ भाई हाँ भाई, हाँ भाई, ओ भाई हाँ भाई, ओ भाई, ओ भाई हाँ भाई, ओ भाई हाँ भाई, ओ भाई हाँ भाई, ओ भाई, ये हमारे स्लॉट नंबर 13 OP क्लचेस, काफ़ी शानदार, मेरी फेवरेट टीम, वन ऑफ द फेवरेट टीम है। इनका गेम प्ले मेरे को बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि बहुत ही OP तरीके से फ्लैंक करते हैं ये, पूरा 360 रोटेट करके एंगल देख के बंदों को ज़्यादातर साइड से स्प्रे करना चाहते हैं, और काफ़ी शानदार खेलते हैं ये, इनका गेम एक नंबर है। तो ये रहे हमारे ओ भाई स्लॉट नंबर 13 से, एंड स्लॉट नंबर 13 से हमारे नीड XX ख़त्म।
आज तक इन्होंने एक बंडा नेट से नहीं मारा होगा, बट अपना नाम नेट एक्सेस रखा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये हमारे हाँ भाई, ये हमारे हाँ भाई, ओ भाई, ये हमारे बाहुबली आदि, पता नहीं अपना नाम बाहुबली क्यों रखा है, शायद इनको कटप्पा से मरवाने का ज़्यादा शौक है इसलिए अपना नाम बाहुबली रखे हैं। चलिए स्लॉट नंबर 14 हमारी नूब टू ओपी, नमन है हमारे, विस कैसिनोवा है एंड अमूल माचो, एंड उसके बाद हमारे स्लॉट नंबर 14 में हमारे लूसीफर हैं जिनकी हाईएस्ट आरपी थी, तो इन्होंने अपनी टीम को काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है हाईएस्ट आरपी के थ्रू। और आपको ले जाना चाहेंगे स्लॉट नंबर 15 पे, स्लॉट नंबर 15 पे हमारे बैठे हुए हैं असेशियन बंदे, असेशियन बंदे जी डब्ल्यू अंकुर, आइकॉन श्री, असेशियन ए एम, टी जी आर बन्ना जी, टी जी आर बन्ना जी शायद अपना नाम चेंज कर लिए, इनका नाम अभी जी आर नहीं, इनका नाम शायद जी डब्ल्यू बन्ना जी था, एंड पता नहीं शायद उन्होंने क्लैन भी चेंज किया या तो उन्होंने सिर्फ ओनली नेम चेंज किया और ये टी जी आर में चले गए। चलिए ये रहे हमारे बन्ना जी ओपी प्लेयर, शानदार प्लेयर है, देखते हैं फाइट उठ हमें देखने को मिल नहीं रही है, अब क्या करें बकचोदी करेंगे ज़िंदगी भर और क्या भाई। चलो और आपको इंट्रोड्यूस कराएं हम अपनी बोम्बो मलाइट स्लॉट नंबर 16 हमारी, ओ भाई नेट पे नेट ये लोग आपस में ही मरे जा रहे हैं क्या, स्लॉट नंबर 15 के लौंडे आपस में ही मार पिटाई के मौसम में है, नाइट्रा वाइट खाए हैं लोग जी हाँ। स्लॉट नंबर 16 की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे जीजू, ये पता नहीं किसके जीजू हैं बट जीजू हैं ये, ये देखिए नमूना सा गिली पाया भाई, ओ भाई ओम किसकिन भाई की मेरे बहुत शानदार है, मगर भाई हमारा गिली पाया है मिट्टी वाला है गिली, किसी के पौंद में भी सो जाए तो भाई हमारा पता ना चले, ओम रख के भी भाई कैंपिंग करेगा, अच्छा लगा कर्तव्य दिखा रहा है हमारा भाई। चलो भाई जीजू भाई बढ़िया यार, ओपी प्लेयर भाई जीजू, एंड इनकी टीम में हमारे अर्थ टच, अर्थ टच ओके नाइस नेम ब्रो, अर्थ टच को हम उतने अच्छे से जानते नहीं तो हम इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते ना इनकी तारीफ, तारीफ तो हम करेंगे क्योंकि हमारे पबजी कस्टम रूम के मेंबर हैं तो इनकी तारीफ तो भाई बिग शॉट आउट टू ब्रो, हमारे न्यू ड्रीम्स मेरे शानदार प्लेयर हैं, काफ़ी दिनों से थोड़ा इनका मैच डल लग रहा है, मतलब फाइट वोट इतने अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, तो उतनी आकर्षक फाइट हमें देखने को मिल नहीं रही है इनसे तरफ से। एंड हमारे बोम्बम डोडो लास्ट प्लेयर इनके, बोम्बम लाइट के हमारे कैप्टन बोम्बम डोडो, एंड स्लॉट नंबर 17 हमारी टीम नूब, काफ़ी शानदार प्लेयर है, आज की हमारी जो लिस्ट निकली थी पॉइंट लिस्ट उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट थे हमारे टीम नूब के, ज़्यादातर ये है कि आज का इन्होंने पहला रूम मतलब पहला मैच 2 PM का ये ज़्यादातर किल बेस में खेले क्योंकि उनको पता था चिकन इन्हें कोई भी निकाले बट बाप बाप होता है, एंड किल ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि किल के पॉइंट से आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं, आप उसके एक स्क्वाड भी वाइप कर रहे हो तो अप्रॉक्स चिकन के बराबर ही है, तो माइंड सेटअप रहता है बंदों का कौन किसके माइंड पे चलता है और कौन किस हिसाब से माइंड चलाता है, दिमाग तुम्हारे बापू पे भी था और दिमाग हमारे सुभाष चंद्र बोस के पास भी था, PM हमारे राहुल गांधी भी थे क्या, बन तो पाए नहीं बहुत लड़ी के जाटू, बट PM तो हमारे मोदी जी भी हैं, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, बिल्ली की गूँ है एक और एक तो गूँ से पता नहीं क्या बना दे। एंड प्लॉट नंबर हमारी 18 दो ही बंदे आए हुए हमारे फोर फेसेस के, फोर फेसेस अभी एंड एस्ट्रो विवेक, चलिए कोई बात नहीं ब्रो, हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम पूरी स्क्वाड लेके आएँ प्लीज़, T2 में तो कम से कम आप ऑलरेडी स्क्वाड इन योर ड्रीम्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से नॉक किया है यहाँ पे, ओ भाई इन योर ड्रीम्स की यहाँ फाइट देखते हो तो तिम को नॉक किया हमारे अमित भाई को स्लॉट नंबर 12 के, ओके इन योर ड्रीम्स का काफ़ी अच्छा नॉक यहाँ निकलता हुआ, जहाँ तक है सेफ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिच के कवर के अंदर चले गए, आपको उनके एंगल से ले जाना चाहेंगे जी हाँ, वो सेफ कर पाना इतना काफ़ी मुश्किल लगेगा उनको। एंड आकाश को भी लेट दिया उन्होंने, हमारे ओपी प्लेयर आकाश को भी इन्होंने लेट दिया, कोई बात नहीं गाइस। और आपको हम दूसरी टीम की तरफ ले जाना चाहेंगे स्लॉट नंबर 19 हमारी टीम खोनी लड़ाकू लौंडे, मेरा भाई बोला था ना वेंचर मेरे भाई जोन जाएंगे, मेरा चूतर बच गया भाई तुम लोग के चक्कर में, तुम लोग जोन पहुंच गए उसके लिए मेरे को अपना चूतर नहीं देना पड़ा, तुम लोग को गाड़ी में बैठ के जोन जा रहे, देखो भाई लोग की रही सी। ये रहे हमारे स्लॉट नंबर 19 के M4 मनीष, ओहो उम्दा प्लेयर हैं, पूरी टीम को एकदम मैनेज करके रखते हैं, एंड हमारे बाप जी कातिलाना प्लेयर हमारे पीतम्बर भाई, शानदार स्ट्रेटजी शानदार गेम प्ले, इनका गेम प्ले तो अल्टीमेट ही है कुछ बोल ही नहीं सकते, और कातिल हसीना हमारी बोले तो कैटरीना कैफ इनकी टीम की,
नाम कातिल हसीना रखी है, और फिगर तो भाई एकदम लेदा उदा निकला है, बकायदा कोई डाउट नहीं है, लेदा निकला है, पीछे से गांड निकली है। नाम से कोई मतलब नहीं होता भाई, वो याद रख लो ये बात। स्लॉट नंबर 20 हमारे गुरु जी के लौंडे गोस्ट कुलदीप। ओ भाई मेरा बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, कुलदीप भाई बिग फैन। जी हाँ, शायद स्लॉट नंबर 19 बगल में आ गई है इनके, फिरिंग की 20 नंबर की गांड मारेगी हर बार की तरह। ओ भाई भाई भाई, भाई गांड मार लेते रहे एक दूसरे की। स्लॉट नंबर 16 से नोटिफिकेशन आ रही है हमें, बॉम्बम डोडो अर्थ टच। जी हाँ, स्लॉट नंबर 12 के बंदों से फाइट लेते हुए और इनो ड्रीम ने फिर नॉक किया हमारे आकाश भाई को। चलिए स्लॉट नंबर 12 की तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे हम, यहाँ पे काफ़ी टीमें आसपास हैं। स्लॉट नंबर 12 आकाश भाई हमारे रिवाइव होते हुए, स्लॉट नंबर 16 है हमारी जीजू, ये देखिए स्लॉट नंबर 16 के में फाइट होते हुए दिख रही है हमें, और हमारे स्लॉट नंबर 12 के बंदे क्या ही खेले भाई, अल्टीमेट भाई, क्या भाई, ओपी भाई, एक नंबर ब्रो, एक नंबर, बोले तो एक्सीलेंट वर्क बाबा, एक्सीलेंट वर्क। बस अमित एक भाई को नॉक किया और ये पीछे से नॉक होते हुए विस की तरफ से आपको ये देखिए स्लॉट नंबर 14 भी बगल में आते हुए, स्लॉट नंबर 16 भी यहीं पे, स्लॉट नंबर 16 के दो ही बंदे बचे हुए हैं एंड स्लॉट नंबर 12 एकदम सेंटर पे फंसी है, स्लॉट नंबर 12 के भी दो ही बंदे बचे हुए, दो बंदे वाइव हो चुके हैं एंड स्लॉट नंबर 14 हमारी फ़ायदा उठाते हुए स्लॉट नंबर 12 पे पुश की। ये देखिए 12 के हमारे बंदे एक ही घर पे हैं, एक नेट से चले जाएंगे जहाँ तक है, ये इनका एक तरीके से देखा जाए तो सैंडविच हो गया है। जी हाँ, काफ़ी शानदार नेड किया हमारे आकाश भाई नॉक होते हुए। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को यहाँ मिल सकती है, स्लॉट नंबर 14 भी यहीं पे, स्लॉट नंबर 12 भी, स्लॉट नंबर 16, देखते हैं कौन किसकी गाड़ों में कूदा है, कौन किसकी टीम को पेलता है और कौन अपना चूतर दूसरे वाले के मुंह में देता है। अपना चूतर दूसरे वाले के मुंह में देता है, कोई नहीं भाई। ये हमारे भाई अमूल माचो डे नेट का उपयोग करते हुए स्मोक है, देखते हैं गाड़ में गोली खाते हैं कि पिलाते हैं। कब भाई नॉट किया हमें, नॉक किया हमारे माचो को, नॉक किया हमारे माचो ने और इसी के साथ हमारी स्क्वाड पूरी तरीके से वाइव हो गई है। जी हाँ, स्लॉट नंबर 12 पूरी तरीके से वाइव हो गई है, बट काफ़ी शानदार गेम प्ले दिखा हमारे स्लॉट नंबर 12 के लाउंडो ने। ओ भाई ये फिर से नॉक होते हुए हमारे जीजू के द्वारा लूसीफर, लूसीफर नॉक हो गए हमारे फिर से और नमन को भी नॉक किया गया है। अब यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे बॉम बॉम डोडो का काफ़ी शानदार स्प्रे, लूसीफर की एचपी बहुत कम है, बॉम बॉम डोडो तो एकदम नाइट्रा खा के पूरे हमारे इनकी टीम की गाड़ी मारे ले रही है अकेले, और इनके दो प्लेयर नॉक हैं, लूसीफर नॉक हैं, रिवाइव देते हुए लूसीफर को और हमारे जीजू फ्लाइंग करते हुए और गाड़ी पे बैठ के निकलने का सोच रहे हैं जहाँ तक है। बट अगर स्प्रे में अगर पहले तो बेटा स्प्रे में छाती चूतर दूध सब नीचे चू जाएगा, तो प्लीज़ आप। ओहो बॉम बम डोडो पे बहुत ही कातिलाना स्प्रे देते हुए, बॉम बम डोडो भी हमारे माँ कसम कैसा पिक करके मुंह दे रहे थे अपना, बॉम बम डोडो हेल्थ करते हुए फर्स्ट एड मारते हुए सामने स्लॉट नंबर 14 निकालने की सोच रही है स्मोक के थ्रू। लूसीफर हमारे इतने बड़े नंगे हैं, लूट रहे हैं, ये देखो इनकी नंगाई, ओपी लेवल की नंगाई हमारे लूसीफर भाई की, प्रो है इसका मतलब ये नहीं। ओ भाई डासिया किसके, डासिया डासिया मतलब कौन सी गाड़ी भाई, अजीब गाड़ी भी महंगी लिख रही है। ओ भाई जीजू भाई हमारे पूरे तरीके से फ्लैंग कर दिए और बॉम बम डोडो नॉक है वहाँ पे, बॉम बम डोडो को कुत्ते के तरीके मारेंगे लोग, चार के चारों तीन के तीनों आके कुत्ते के तरीके धोएंगे बॉम बम डोडो को। ये देखो ये गाड़ी पेली, ये कैसा कूदे रहे बॉम बम डोडो को पेले, ओपी भाई काफ़ी अच्छे तरीके से स्लॉट नंबर 14 के प्लेयर ने पेला बॉम बम डोडो को, नमन को इन्होंने खो दिया, एक प्लेयर पूरे इनके वाइब हो गए एंड हमारे जीजू जो निकलते हुए अकेले। जीजू लास्ट बंदे बचे हैं हमारे स्लॉट नंबर 16 के, अकेले ही बंदे बचे हैं। जी हाँ, स्लॉट नंबर 19 की फाइट यहाँ देखने को मिल गई हमें बाप जी की एंड बाप जी की स्लॉट नंबर 10 से फाइट होते हुए। ओ काफ़ी लिट मिला हमारे बाप जी को, ओपन फाइट ले रहे हैं। ओ माई गॉड व्हाट द फक ब्रदर, सीरियसली आर यू फाइटिंग इन ओपन, ओ ब्रदर ओपन में फाइट, काफ़ी गलत तरीके से खेलते हुए हमारे स्लॉट नंबर 19 के बंदे ओपन फाइट ले रहे हैं। अब पता नहीं
कि क्या ही चाहते हैं अपने जीवन में, बट हो गया, कोई बात नहीं। हमारा काम है स्ट्रीम देख के बकचोदी चोदना, जो वहाँ है उसको ज़्यादा अच्छे से पता है। टीडी नाइट्स मार्स हमारे नॉक हैं, ये हमारे टीडी नाइट्स घोड़े पड़े हैं, घोड़े पड़े हैं, घोड़े पड़े, घोड़े पड़े, घोड़े पड़े, घोड़े पड़े, घोड़े पड़े, टीडी नाइट घोड़ा हमारा घोड़ी। अरे घोड़ी भाई, घोड़ी भाई, घोड़े रिवाइव, ए रिवाइव दे दो बे 10 नंबर वालों बे, कैसी नंगई चोद रहे हो बे, दे दो बे मारा है नाइट को रिवाइव बे। ये देखो ये जब सीन आता है ना तो मेरे को इतना मज़ा आता है भाई, ये देखो गाँड़ से गाँड़ लंडे से लंड मुँह से चूतर मिला के लोग बस जब रिवाइव देते ना तो ये सीन देखने मेरे को इतना मज़ा आता है ना, इतना तो सनी लियोनी को देखने को भी मज़ा नहीं आता। स्लॉट नंबर 19 की तरफ ले जाना चाहेंगे, स्लॉट नंबर 19 के चार के चारों बंदे लाइव है, M24 चला रहे हमारे लड़ाकू लौंडे। जी हाँ लड़ाकू लौंडे जहाँ तक है बैरल और AKM से लेके सामने का क्लोज काउंटर संभालते हैं, और आज स्नाइपिंग के मूड में उतरे, क्या बात है बाप जी हमारे स्नाइपर। चलो ये तो स्नाइपिंग करते ही अच्छी खासी, एंड मनीष भाई हमारे M4 6X होगा तो मनीष भाई से फिर लड़ना चुतिया फो, काफ़ी अच्छा लड़ दिया बट खुद नॉक होते हुए। स्कल ने स्कल टी डी स्कल ने मनीष को नॉक किया, काफ़ी शानदार तरीके से टी डी स्कल ने नॉक किया। और ये देखिए नाइट मार्स हमारे क्लोज काउंटर करते हुए जहाँ तक है, ज़्यादा थोड़ा क्लोज घुसते हुए उनके, और बाबा कहीं फाइट देखने को मिल रही है। जी हाँ 9 टीमें बची हुई हैं, एंड फिर से यहाँ फाइट देखने को स्लॉट नंबर 13 की तरफ से फाइट देखने को मिली। ओ भाई हाँ भाई की हमारे स्लॉट नंबर 11 से, स्लॉट नंबर 11 हमारी 2 OP, ये कैसा रेंडर हो रहा है, ये ड्रॉप व्रॉप सब ले लिए हैं। स्लॉट नंबर इश निंजा ने हमारे हाँ भाई को नॉक किया, काफ़ी शानदार तरीके से निंजा ने नॉक किया। निंजा हमारे प्रो लेवल का गेम प्ले दिखाते हुए मिनी से नॉक किया है, 4X लगा के नॉक किया काफ़ी शानदार तरीके से। ईशान 2 OP हमारे स्कारल चला रहे हैं, और RTC डेविल भाई M4 चला रहे हैं, और उनकी तरफ से हमारे ओ भाई AKM, एंड उनके हमारे नीड XX ख़त्म, ये भी AKM चला रहे हैं, ये मिनी चला रहे हैं हमारे हाँ भाई, एंड बाहुबली आदि बैरल। ज़्यादातर ये लग रहे हैं हमें 7K गन के शौकीन हैं, यहाँ कॉम्बैक्ट देखने को मिल सकता है, लिट पे लिट दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, वेस्ट की दाई चोदे जा रहे हैं एक दूसरे के टीम की, पर देखते हैं वेस्ट की हिदायत चोदते हैं कि आगे हम नहीं बोलेंगे, दोस्तों को बुरा लग जाएगा हमारे, ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है भाइयों, कोई अब्यूजिंग नहीं, नॉर्मल तरीके से गेम पे ध्यान दो। वाह ये बहन चोद बार बार नोटिफिकेशन आ आके गाड़ मरवा ली मेरी इसने। हो लग जा गले के फिर ये हंसी छूत, सॉरी हंसी रात, भाई इतनी अच्छी मेरी आवाज़ नहीं है, बस पकचोदी। ये देखो मार पिटाई का मौसम, स्लॉट नंबर 20 से नोटिफिकेशन आते हुए, ये काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने स्कल को नॉक किया। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी टीमें आसपास है, स्लॉट नंबर 20 भी है, स्लॉट नंबर 10 भी है। ये देखिए आकर्षक यहाँ फाइट देखने को मिल गई हमें, साइलेंट प्रवीण हमारे नॉक है, स्लॉट नंबर 20 हमारे गुरु जी के लौंडे हमारे चमन चटनी चमन छाटे छाट के आए थे, कुलदीप हमारे लौड़े में लग गए पूरे तरीके से, कुलदीप की गाड़ मार ली हमारे स्लॉट नंबर 10 के प्लेयर ने, छेदा है बलभर छेदा है कुलदीप को, और हमारे प्रवीण की भी एकदम पूरे तरीके से एकदम पोंद के बाल उखाड़ लिए, हमारे सौरभ पटेल की भी एकदम चुच्ची दुद्दी बंद कर दी सब, लास्ट बंदा इनका बचा है, देखते हैं 4 Faces and Red क्या कर लेते हैं ये अकेले, और इसी क्या कर लेंगे, जहाँ तो खेल लेंगे, मर गए हमारे स्लॉट नंबर 20 के गुरु जी के लौंडे, काफ़ी शानदार खेलते हैं हमारे गुरु जी के लौंडे, बट पूरी तरीके से वाइब हो चुके हैं। स्लॉट नंबर 10 की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे, स्लॉट नंबर 10 की हमारी टीम किल 4 है अभी तक, इन्होंने गुरु जी के लौंडों को ही बस पेला है। स्लॉट नंबर 19 से नोटिफिकेशन आती हुई, ये देखें स्लॉट नंबर 19 की टीम किल 0 है, अब देखते हैं किससे फाइट ले रहे हैं, स्लॉट नंबर 17 से फाइट ले रहे हैं, स्लॉट नंबर 17 हमारी मतलब टीम नूब काफ़ी उम्दा टीम से फाइट ले रहे हैं, अब देखते हैं ये फाइट लेते हैं कि किल देते हैं, ये तो इन्हीं पे पता होगा। अब स्लॉट नंबर 17 के एंगल पे एक बार ले जाना चाहूँगा, स्लॉट नंबर एंगल की टीम किल 0 है, यहाँ तक अभी तक सब सेफ ही खेलेंगे, लास्ट में सबका रश और सबका भूत आया निकलेगा। स्लॉट नंबर 14 से नोटिफिकेशन आते हुए फिर से लूसीफर हमारे, वो भाई को काफ़ी अच्छे तरीके से वाइप किया,
आरटीसी डेविल की नोटिफिकेशन आ रही थी हमें। लूसीफर हमारे लास्ट बंदे बचे हुए हैं, टीम किल साथ है, काफ़ी शानदार खेलते हैं हमारे लूसीफर भाई। एंड निंजा स्लॉट नंबर 11, ये हमारे लेटरिंग बिल्ली के गूम बार बार सो सो के मार रहे हैं, जानते हैं ब्रो एम4 स्टैंड गन नहीं है तो आप सो के मारेंगे, ठीक है समझ सकते हैं रिकॉइल मेंटेन होती है, बट ये चीज़ अगर आप डीपी या आप डीपी या मशीन गन के साथ करते तो शायद ज़्यादा रिकॉइल आपकी मेंटेन होती, बट हमारा काम है ज्ञान चोदना भाई, डोंट बी बीन, मेरे से उतना अच्छा आता नहीं, मेरी ज़्यादा केडी नहीं है, ठीक है 3-4 की केडी है, ज़्यादा केडी नहीं है। आप लोग प्रो भाई 5 की केडी, 15 केडी, 20 की केडी, मॉर्टल श्राउड, ये देखो पेला कोई गांड में, कौन पेला, स्लॉट नंबर 14 का केला लौंडा, ऑम रखा है, छेदे जा रहा है सबको कब से भाई, ये एटैक्स वटैक्स लगा के, आठ गुनी लगा के काफ़ी शानदार गेम प्ले दिखाता हुआ हमारा लूसीफर भाई, अकेला वन मैन आर्मी टाइप बचा है, अब देखते हैं, देख भाई अकेला बचा इसका, ये नहीं कूद जा छत से आराम से खेल, पेला इसका मन नहीं है, मैं समझ लिया ये मुंह भरा गिरेगा और कुछ नहीं, इसके लक्षण समझ गया, मुंह भरा छोल रहेगा और कुत्ते की मौत मारेगा हमारा लूसीफर भाई, जिस हिसाब से ये गर्तव दिखा रहा है पूरा, जिस हिसाब से पावरकर बना है, चलो अच्छा लगा भाई खेले हमारे साथ, बढ़िया लगा, अभी गिरोगे मुंह भरा, कोई बात नहीं भाई, बट बिग शॉट टू यू ब्रो, ओपी गेम प्ले प्लीज डोंट माइंड, हाँ बट जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर एंटरटेनिंग, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, सॉरी एंटरटेनिंग नहीं, डबल प्रोनाउंसिएशन, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, आई एम जस्ट किडिंग, तो उतना ज़्यादा सीरियस लेना मत बातों को, तो डोंट बी मीन, ये स्लॉट नंबर 15 से नोटिफिकेशन आती है एसोसिएशन के बंदों के, हमारे गुरु जी GW बन्ना जी, 7 टीमें बची हुई हैं, 23 बंदे अलाइव हैं, स्लॉट नंबर 10 की तरफ पिक करते हुए टीम ड्रीड की तरफ, अब देखते हैं, स्लॉट नंबर 15 हमारी कार 98 चला रही है GW अंकुर कान 98 चलाते हो, सामने ओम की आवाज़ सुनेंगे तो कहाँ अंकुर भाई की कान 98 टक करेगी, ज़्यादा सभी टीमें जोन पे ही हैं तो उतनी फाइट हमें देखने को मिलेगी नहीं, कातिल हसीना स्लॉट नंबर 19 सिंह की हम टीम के लिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखे हमारे मनीष स्लॉट नंबर 15, ये जहाँ तक इनका सैंडविच होने के चांसेस है क्योंकि काफ़ी टीमें आसपास है, ये देखिए स्लॉट नंबर 17 और स्लॉट नंबर 10 की फाइट हो ही गई आखिर, अल्ट्रॉन पंकू हमारे नॉक हैं स्लॉट नंबर 17 से, एंड स्लॉट नंबर 10 हमारी बार बार हर किसी के गांड में घुसते हुए हर किसी की किल निकालते हुए हमारे स्लॉट नंबर 10 के प्लेयर, एक बंदा पीछे से गाड़ी लाता हुआ, और ये देखिए यहाँ स्लॉट नंबर 17 से फाइट होने के चांसेस हैं, ये नॉक पे नॉक किया जी एनवी रिवेड भी नॉक हो गए हमारे, काफ़ी उम्दा फाइट यहाँ देखने को मिल सकती है, ये देखिए ओ भाई हमारे अल्ट्रॉन पंकू नॉक होते हो फिर से, और हमारे टीडी साइक्लोम नॉक होते हो, हैक्टिक का ओपी लेवल का गेम प्ले, हैक्टिक के व्यूज़ पे आपको ले जाना चाहूँगा, ये देखिए और काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से क्लच दिखाते हो हमारे हैक्टिक भाई, काफ़ी उम्दा प्लेयर खेलते हुए, और हैक्टिक हमारे नॉक होते हुए इसी के दौरान हमारी स्लॉट नंबर 17 ये फाइट जीत गई है, एंड स्लॉट नंबर 10 हमारी पूरी तरीके से वाइव हो गई, बट ब्रो नाइस प्ले, ब्रो नाइस प्ले, वेल प्लेड मज़ा आ गया, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड, स्लॉट नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक थी इनको, काफ़ी उम्दे तरीके से फाइट बैक थी, बट हमारे दो प्लेयर नॉक, दो प्लेयर वाइव हो चुके हैं, हैक्टिक और हमारे सुमो अमन बचे हुए हैं, और हमारे पीछे से एंजल भी भोंक रही है हमारी कुकरी, मेरी कुकरी, मेरा बच्चा, ये हमारे बाबजी नॉक पड़े हैं स्लॉट नंबर 19 के प्लेयर, स्लॉट नंबर 19 के हमारे एक प्लेयर नॉक पड़े हुए हैं, और काफ़ी जल्दी जल्दी स्मोक पे स्मोक होता हुआ बचाते हुए अपने प्लेयर को, एंड यहाँ पर ही हमारे लूसीफर भाई, ये कातिल हसीना वैसे लूसीफर की यहाँ फाइट देखने को मिली हमें, एंजल तो दम ही नहीं करेगी, ये देखो एंजल कैसा भोंक रही, GW बनना जी हमारे 4 फेसेस अभी को नॉक किया, 1v4 है, अब देखते हैं फाइट हमें कैसी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, लेटरिंग की फाइट यहाँ हो रही है स्लॉट नंबर 11 की, एसिशिया नेम हमारे नॉक है, AM गुरुजी के लौंडे वहाँ पे नॉक है,
मतलब क्या बोलते हैं, GW एसोसिएशन एम नॉक है, आइकॉन श्री लेटरिंग हमारी स्लॉट नंबर 19 की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा मैं। स्लॉट नंबर 14 का एक प्लेयर अकेला बचा, 4 किल किया है। ये देखिए एक और नॉक होते होते बच गए हमारे प्लेयर, लेट दिया काफ़ी ज़्यादा। मेन क्या इन पे जोन फेवर है, ये काफ़ी अच्छा स्प्रे डालते हुए। ओह मिस द शॉट ब्रदर। एक हमारे जोन से उतरते हुए M4 मनीष, और सभी टीमें इनकी जहाँ तक है प्ले जोन से ही मर जाएंगी। ये देखिए बस इनका काम है किल चुराना, और ये जानते हैं बच नहीं पाएंगे तो ज़्यादातर सोच रहे हैं कि किल निकाल लें। और लूसीफर हमारे मरते हुए काफ़ी दिमाग लगाया हमारे लूसीफर भाई ने, क्योंकि जानते थे बच नहीं पाएंगे, बट उनकी पूरी टीम को किल तो निकाल ली है। वेल प्ले ब्रो, काफ़ी अच्छा दिमाग आपने लगाया। आप जानते थे कि आप बच नहीं पाएंगे, बट फिर भी आप किल को मैटर किए, क्योंकि चिकन डिनर आया ना आया, पॉइंट किल ज़्यादा होना चाहिए। चलिए वेल प्ले, हमारे स्लॉट नंबर 19 का इकलौता बंदा बचा हुआ, 4 टीमें बची हुई हैं। स्लॉट नंबर 11 की हमारी पूरी टीम बची हुई है। ये देखिए स्लॉट नंबर 15 की फाइट होते हुए, एसेशन एएम के 3 बंदे बचे हुए हैं, और स्मोक का सहारा करते हुए टीम के लिंक की एक है हमारे आरटीसी, क्या नाम है, हमारे नूप 2 OP की टीम किल 2 है, और हमारे स्लॉट नंबर 15 टीम के लिए एक, स्लॉट नंबर 17 टीम किल 4, लड़ाकू लौंडे टीम के लिए एक है, और लड़ाकू लौंडे नहीं की है तो इसलिए देख के अच्छा लगा। 3 टीमें जोन में होते हुए स्लॉट नंबर 17 नोटिफिकेशन आते हुए, हैक्टिक भाई हमारे इंडिपेंडेंट एंगल पे ले जाना चाहूँगा। ये देखिए स्लॉट नंबर 11 निशान के पास बंदे, ये देखिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाते हुए हमारे सुमो, इन्होंने नॉक किया, निंजा ने नॉक किया आइकॉन को, आइकॉन श्री को नॉक किया, और ईशान को भी काफ़ी ज़्यादा लेट देते हुए हमारे सुमो अमन, 1 HP बची हुई है, और हमारे ईशान नॉक होते हुए ऑग से। GW बन्ना जी टीम के एक ही है और इन्होंने ही की है। जी हाँ GW बन्ना जी के एक प्लेयर और वाइव होते हुए, एशियन एम लास्ट बंदे बच्चे हमारे GW बन्ना जी। स्लॉट नंबर 17 की फाइट यहाँ देखने को मिल रही है हमें। ये देखिए स्लॉट नंबर 17 हमारी काफ़ी अच्छा कवर लेते हुए, अब यहाँ 3 टीमें बची हुई हैं, स्लॉट नंबर 17, स्लॉट नंबर 11 एंड स्लॉट नंबर 19 का लास्ट बंदा बचा हुआ है। 19 का बंदा बहुत अच्छे तरीके से प्रोन है, रिच का कवर बहुत शानदार मिला है इसको। स्लॉट नंबर 17 और स्लॉट नंबर हमें 11 की फाइट देखने को भी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीम आकर्षक है, एंड 19 का प्लेयर तो हमारे पूरे तरीके से सेफ खेल रहा है। 19 के प्लेयर ने काफ़ी अच्छे तरीके से नेड किया, और RTC डेविल उनको देखते हुए, और इसी के दौरान हमारी स्लॉट नंबर 19 पूरे तरीके से सर्वाइव होते हुए, खूनी बंदे पूरे तरीके से इनकी मर चुकी है। हमारे स्लॉट नंबर 11 के लौंडा ने उनकी गांड मार ली, बहुत अच्छे तरीके से गांड मारी है। एक ही लौंडा बचा था उनका लड़ाकू लौंडा, जो भी अपनी गांड दान करके आया है हमारे RTC डेविल को, और हैक्टिक का बहुत अच्छा ओम शॉट एंड निंजा नॉक। निंजा के एंगल पे आपको ले जाना चाहूँगा, 2v3 है, निंजा हमारा नॉक है, काफ़ी शानदार खेलता हुआ निंजा, अकेले 1 किल किया है, कोई बात नहीं। और हमारे RTC डेविल OP प्लेयर ब्रो, M249 लेके, एंड हमारे लेटरिंग बिल्ली के गू, बिल्ली गू हैं बट काफ़ी शानदार खेलते हैं। ये देखिए RTC डेविल हमारे फ्लैंक करने की सोच रहे हैं, और लिट पड़ता हुआ जहाँ तक उतर जाएंगे गाड़ी से ये। ओके जी हाँ, काफ़ी 1v1 है स्लॉट नंबर 11 ईशान एंड सुमो अमन के बीच में, देखते हैं। निंजा हमारे जहाँ तक ओपन है, और हमारे सुमो अमन की भी 1 HP है, निंजा की तो HP ही नहीं दिख रही है, एक गोली और निंजा वाइब। OP लेवल की फाइट देखने को हमें मिल गई, मज़ा आ गया हमें ये फाइट देख के। निंजा हमारी अंदर हमारे गेम प्ले दिखाया हमारे प्लेयर्स ने। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे हमारी आज जो फर्स्ट टीम आई है, टीम है हमारी हैक्टिक, मतलब हमारी टीम जो थी हैक्टिक भाई की टीम, एंड सुमो अमन का भाई। OP लेवल का गेम प्ले ब्रो, काफ़ी शानदार आप खेले, मज़ा आ गया आपका गेम देख के। एंड सेकेंड पे हमारी आई है 2 OP, थर्ड पे हमारे मनीष लड़ाकू लौंडे की टीम,
एंड फोर्थ पे हमारे असेशियन बंदे, फिफ्थ पे हमारे लूसीफर, फिफ्थ पे हमारे लूसीफर की टीम जिनकी हाईएस्ट आरपी थी। तो गाइस इसी की तरह हमारी सभी टीमें आई हुई हैं, बाकी टीमें भी बहुत अच्छा खेली, बट अभी आपको ग्रुप में हम पूरा चैट लिस्ट एंड पॉइंट लिस्ट दे देंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग, काफ़ी शानदार आप लोग खेल रहे हैं, आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आएगा। एंड प्लीज़ को भी अगर कमेंट्री में अगर मिस प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी मैं अब्यूज़ कर दूँ आप सबको, वैसे मैं पर्टिकुलर पर्सन को अब्यूज़ करता नहीं हूँ, जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं के साथ करता हूँ। तो अगर किसी को कुछ मेरी बातें बुरी लग जाए तो प्लीज़ डोंट बी माइंड, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो ठीक है भाई, तो इतना बुरा मत मानना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कल ही मिलते हैं आपको 2 बजे 2 PM मैच में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, टेक केयर ब्रो।